हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक कमाल का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पास है मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से OTG ओवन टोस्टर और ग्रिल, जिसको हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं ये OTG कैसा है, आप लोग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसको हम लोग परचेस किए सिर्फ 2699 रुपीज़ में। तो कैसे हम लोग सिर्फ 2699 रुपीज़ में परचेस कर लिए हैं, इसके बारे में बात करेंगे, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और मैं इसका डेमो भी दिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है, कैसे आप लोग सब कुछ टाइमिंग सेट करना है, कैसे आप लोग मोड चेंज करना है, सारी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण और आप देख रहे हैं देख रिव्यू चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बड़े से बॉक्स के अंदर हम लोग का प्रोडक्ट आ गया है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट लिखा गया है। 26 लीटर का ओवन टोस्टर और ग्रिल है, जिसका मॉडल नंबर है 26AOTMQB, जो कि आप लोग यहां पे दिया गया है। सामने में आप लोगों को OTG का लुक भी दिया गया है और इस तरफ पे आप लोग देखते हैं कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिया गया है, जिसमें आप लोग देखते हैं 4 डिफरेंट हीटिंग मोड्स हैं और ये आप लोग को 1600 वाट का मिल जा रहा है, जो कि एनर्जी एफिशिएंट है। और यहाँ पे आप लोग देखते हैं आप लोग को वायर रैक मिल जाता है, जिसमें आप लोग 4 स्टिक भी मिलेगा, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं कबाब टिक्का और ग्रिल करने के लिए। और ईजी क्लीनिंग है और बेक का आप लोग को ट्रे भी मिल रहा है और इसमें आप लोग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और रस्ट प्रूफ जिंक कोटिंग भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिया गया है और साइड में आप लोग देखते हैं सारा आप लोग मॉडल नंबर और सारा वेट वगैरह सब कुछ लिखा गया है, जो कि आप लोग चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम लोग बिल देख लेते हैं, बिल के ऊपर देखते हैं 2699 रुपीज़ लिखा गया है। तो हम लोग परचेस किए हैं सिर्फ 2699 रुपीज़ में। तो जल्दी से हम लोग इस बॉक्स को कट करते हैं और सारा प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को OTG आ गया है, जो कि आप लोग सामने से कुछ इस टाइप का लुक मिल जा रहा है। यहाँ पे आप लोग को एक हैंडल दिया गया है, जिसको आप लोग पुल करते हैं तो ये खुल जाएगा और कुछ इस टाइप से आप लोग को दिया गया है। नीचे में देख सकते हैं आप लोग को 2 रॉड दिया गया है, जो कि आप लोग को हीट होगा और सारा कुछ गर्म करेगा। और ऊपर की तरफ भी आप लोग को 2 रॉड दिया गया है और इसको ऐसे करके आप लोग पुश करके फिर से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये हैंडल को आप लोग को यूज़ करना है। जब भी आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो जब हीट हो जाता है तब इसको ग्लास स्टोव को टच मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। आप लोग ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए इस हैंडल को यूज़ करना है। और इस साइड में आप लोग को 3 रेगुलेटर दिया गया है। पहला वाला टेम्परेचर के लिए है, दूसरा वाला आप लोग का मोड के लिए है और तीसरा वाला टाइमिंग के लिए है। यहाँ पे आप लोग को 3 रेगुलेटर मिल जा रहा है, जो कि आप लोग देखते हैं पहला वाला जो टेम्परेचर वाला है उसमें आप लोग मिनिमम 100 से लेकर 250 तक जा सकते हैं टेम्परेचर के। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है और यहाँ पे नीचे में एक लाइट मिल जा रहा है, जो कि ऑन होगा तो लाइट ये जलता है। उसके बाद आप लोग मोड मिल जा रहा है, जो कि ऑफ है। उसके बाद जो आप लोग पहला मोड मिल रहा है, उसमें आप लोग सिर्फ ऊपर वाला रॉड हीट होगा। दूसरा मोड में आप लोग सिर्फ नीचे वाला रॉड हीट होगा और तीसरा मोड में दोनों रॉड हीट होगा। तीनों का अपना अलग फंक्शन है। यदि आप लोग बेक करना चाहते हैं तो पहला मोड में चले जाइए, यानी कि ऊपर वाला रॉड को गर्म कीजिए। दूसरा, यदि आप लोग कुछ बॉयल करना है तो आप लोग नीचे वाला रॉड को ऑन कर दीजिए, यानी कि दूसरा मोड में चले जाइए। और यदि आप लोग को टोस्ट करना है तो दोनों रॉड को ऑन कर दीजिए, जो कि थर्ड मोड आप लोग को मिल जा रहा है। तीनों मोड में आप लोग 3 एक्टिविटी कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं और टोस्ट कर सकते हैं। और तीसरा रेगुलेटर में आप लोग को टाइमिंग मिल जा रहा है, जो कि आप लोग 0 से लेकर 60 तक दिया गया है, यानी कि 60 मिनट तक ये टाइम चलेगा। 10, 20, 30, 40, 50 और 60 मिनट तक दिया गया है। इस टाइमर को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। यदि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ भी रहता है तभी भी, यदि आप लोग 10 सेकंड में डाल देते हैं तो ये फिर भी चलते रहता है, बैक आते रहेगा, उसका 0 में आके टिंग करके आवाज आएगा। तो ये टाइमर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है। और पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप लोग 3-पिन प्लग मिल जा रहा है, जो कि बड़े साइज का है। नॉर्मल जो स्मार्टफोन का रहता है वो प्लग नहीं है, थोड़ा बड़ा साइज वाला है, जो कि नॉर्मली आप लोग को माइक्रोवेव में मिल जाता है बड़े साइज वाला, वो वाला है। यदि आप लोग पास प्लग नहीं होगा तो आप लोग लगाना पड़ेगा बड़े साइज वाला। तो यहाँ पे आप लोग इस टाइप का मिल जा रहा है। वायर क्वालिटी अच्छा है, लेकिन लेंथ वाइज ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आप लोग जो भी किचन में लगाते हैं तो प्लग पॉइंट सामने रहना चाहिए, ज़्यादा बड़ा आप लोग ज़्यादा लंबा वायर नहीं दिया है। अब हम लोग इसका अटैचमेंट और इक्विपमेंट जो सब दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को 4 स्टिक मिल जा रहा है, जो कि आप लोग कबाब या टिक्का बनाना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। आप लोग 4 स्टिक दिया गया है। उसके बाद आप लोग ट्रे निकालने का एक टूल दिया गया है, यानी कि यदि गर्म रहता है ट्रे तो आप लोग इसको यूज करके ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर रख सकते हैं, तो एक टूल दिया गया है। फिर आप लोग को वायर ट्रे दिया गया है और आप लोग को बेक करने वाला ट्रे दिया गया है। इसको आप लोग नीचे में डस्ट वगैरह गिरता है ब्रेड का, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब लोग ब्रेड का कुछ कुकिंग कर रहे हैं तो डस्ट वगैरह इसके अंदर गिरेगा। तो इस टाइप का आप लोग को 2 दिया गया है, एक वायर ट्रे है और एक आप लोग को बेक ट्रे है। फिर आप लोग को यूज़र मैनुअल मिल जा रहा है, जहाँ पे आप लोगों के पार्ट्स के बारे में लिखा गया है, कैसे कुकिंग करना है ये सब के बारे में लिखा गया है और कैसे डिफरेंट मोड सबको यूज़ करना है इस सब के बारे में लिखा गया है, जिसको चाहे तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं सारा कुछ आप लोगों को बता ही दिया हूँ। चलिए अब हम लोग कुछ डेमो देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं पास्ता ले आया हूँ, इसमें मैं चीज़ डालूंगा और चीज़ पास्ता बना लूंगा।
और दूसरा मैं जो काम करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ, ब्रेड लाया हूँ, इसमें क्या करता हूँ बटर लगा देता हूँ और मैं ब्रेड बटर टोस्ट कर लेता हूँ। तो दो सिंपल सिंपल मैं काम करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं पास्ता के ऊपर चीज डाल दे रहा हूँ और डालने के बाद यहाँ पे मैं जो वायर ट्रे है वो रख दिया हूँ, उसके बाद मेरा जो पास्ता वाला बॉल है उसको डाल देते हैं। तो पास्ता मैं नॉर्मल बॉल में रखा हूँ क्योंकि मेरे पास बोरोसिल वाला जो माइक्रोवेव सेफ बॉल होता है वो सब मेरे पास है नहीं, स्टैंडर्ड वाला वो सब नहीं है, तो मैं सिंपल सा बॉल के अंदर डाल दिया हूँ। आप लोग चाहें तो बोरोसिल की तरफ से जो स्टैंडर्ड बॉल सब आता है उस सबको भी परचेस कर सकते हैं। सारा मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल यही था, इसको भी मैं डाल दिया हूँ। मैं टेम्परेचर को कर दे रहा हूँ 150 और यहाँ पे मैं मोड को कर दे रहा हूँ बेक मोड में और 10 मिनट का टाइमिंग दे दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखते हैं इस मोड में सिर्फ ऊपर वाला रॉड को हीट हो रहा है और 10 मिनट के बाद टिंग करके आवाज आएगा, उसके बाद मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं पास्ता मेरा रेडी है, जो कि चीज़ पास्ता बनके रेडी हो गया है, तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डेमो देखते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेड ले लिया हूँ, इस पे बटर लगा दिया, फिर थोड़ा चीज़ डाल दिया हूँ, हल्का ऑरिगेनो भी डाल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा टेस्टी लगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ वायर ट्रे इंसर्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं बटर ब्रेड को डाल देता हूँ यहाँ पे और उसके बाद मैं टेम्परेचर कर दे रहा हूँ 150 और मोड को क्या करता हूँ मैं टोस्ट मोड में डाल देता हूँ जो कि लास्ट वाला मोड है और उसके बाद मैं क्या करता हूँ टाइमिंग को 10 मिनट का डाल देता हूँ और वेट करता हूँ टोस्ट बन के रेडी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं मेरा बटर ब्रेड टोस्ट बन के आ गया है, जो कि काफ़ी अच्छा बना है। मैं यहाँ पे सिंपल स्टेप वाला जो दो आइटम था वो बना के दिखा दिया हूँ, डेमो दिखा दिया हूँ। जो हार्ड स्टेप वाला है वो आप लोग यूट्यूब से देख लीजिएगा। मैं भी क्या करने वाला हूँ, मम्मी को परेशान करने वाला हूँ 4-5 दिन, उसके बाद मम्मी एक दिन ना एक दिन बना ही देगी। कबाब बना सकते हैं, टिक्का बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, पिज्ज़ा बना सकते हैं, लेकिन इस सब में आप लोग बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा। तो मैं थोड़ा कोरिया टाइप का इंसान हूँ, ईजी टाइप का आप लोग आइटम बता दिया हूँ। बाकी आप लोग हार्ड स्टेप वाला देखना है तो यूट्यूब में काफ़ी सारा रेसिपी मिल जाएगा, या फिर आप लोग मम्मी को परेशान कर सकते हैं, मम्मी बना के दे देगी। मैं भी मम्मी को परेशान करने वाला हूँ 4-5 दिन पिज्ज़ा बना दो पिज्ज़ा बना दो बोल के, उसके बाद 7वां 8वां दिन तो मम्मी बना ही देगी। तो आप लोग इसमें काफ़ी कुछ बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी एंडलेस है, जो भी आप लोग बनाना है आराम से बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये OTG ओवन टोस्टर और आप लोग ग्रिल काफ़ी कमाल का मिल जा रहा है। मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से 26 लीटर वाला है। तो यदि आप लोग परचेस करना है तो बेस्ट बाय लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर परचेस कर सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी कमाल का है, काफ़ी अच्छा आप लोग को मिल जा रहा है। अब हम लोग प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग कैसे इतना सस्ता में परचेस कर लिए, अभी कितना प्राइस है, ये सब के बारे में जानते हैं। तो हम लोग इसको परचेस किए हैं सिर्फ 2699 रुपीज में, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल चला था उस समय हम लोग परचेस कर लिए हैं। अभी मैं इसका दाम चेक करूँ तो अभी है 2799 रुपीज, 100 रुपीज दाम बढ़ गया है, लेकिन अभी भी सेल चल रहा है इसीलिए 2799 रुपीज में मिल रहा है। जनरली इसका दाम 3000 के करीब रहता है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय में इसका दाम है 2799 रुपीज, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये 26 लीटर वाला है, लेकिन यदि आप लोगों का फैमिली छोटा है और आप लोग छोटा वाला से भी काम चल जाएगा तो आप लोग इसमें 18 लीटर वाला भी मिल जाता है, 11 लीटर वाला भी मिल जाता है। यदि आप लोगों को बड़ा चाहिए तो 33 लीटर वाला भी है, तो काफ़ी सारा आप लोग को ऑप्शन मिल जा रहा है। 48 लीटर वाला भी ऑप्शन मिल जा रहा है, तो आप लोग को काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आकर आप लोग जो भी पसंद है वो आप लोग परचेस कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं एक माइक्रोवेवन का अनबॉक्सिंग बनाया हूँ, उसका भी वीडियो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सैमसंग कंपनी की तरफ से, तो उसको भी देखना है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।